इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है निर्जन मामले में कनाडा के बयान पर भारत सख्त नजर आ रहा है। भारत सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब किया है, कनाडा से भारत वापस बुलाएगा अपना उच्चायुक्त। सूत्रों के हवाले से बड़ी इन्फॉर्मेशन है निर्जन मामले में कनाडा के बयान पर भारत सख्त। भारत सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब किया, कनाडा से भारत वापस बुलाएंगे अपना उच्चायुक्त। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन इस समय मिल रही है। भारत सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब किया है। भारत 24 ने तस्वीर भी आपको दिखाई जो मंत्रालय राजदूत उनके पहुंचे हैं, और जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे मामले में जो टिप्पणी की गई है कनाडा की तरफ से, उसके बाद भारत सरकार सख्त रुख अपनाए है, कनाडा से भारत वापस बुलाएगा अपना उच्चायुक्त। ये भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी इन्फॉर्मेशन इस समय मिल रही है। निर्जन मामले में कनाडा के बयान पर भारत का सख्त रवैया, ये तस्वीर जरा आप देखिए मंत्रालय में जाते हुए जो राजदूत है कनाडा के जो भारत में हैं, उन्हें आज तलब किया गया, मंत्रालय बुलाया गया है और वो वहां पहुंचे भी। निर्जन मामले में कनाडा की तरफ से, टूडो की तरफ से जिस तरीके के बयान, जो आरोप लगाए गए, उसके बाद भारत इस समय सख्त नजर आ रहा है। कनाडा से संभवतः अपना उच्चायुक्त भारत वापस भी बुला लेगा, ये भी जानकारी इस समय मिल रही है। निर्जन मामले में कनाडा के बयान को लेकर के भारत की तरफ से आपत्ति जाहिर की जा रही है, कनाडा से भारत वापस बुलाएगा अपना उच्चायुक्त। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस समय मिल रही है। भारत की तरफ से कहा गया है कनाडा सरकार पर भरोसा नहीं है, भारत की तरफ से ये सख्त टिप्पणियां की गई हैं। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से जो बयान दिए गए हैं, जो आरोप लगाए गए, वो बेहद गंभीर हैं, और ऐसे में भारत की तरफ से सख्त रुख अपनाया जा रहा है। कनाडा से भारत अपना उच्चायुक्त वापस बुला सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। इसी बीच कनाडा के राजदूत को यहां तलब किया गया मंत्रालय पहुंचते हुए, उनकी ये तस्वीर आपके सामने। कनाडा को लेकर के भारत सरकार बड़ा फैसला उठा सकता है, बड़ा फैसला ले सकता है, बड़ा कदम भारत की तरफ से। इसी बीच कनाडा के राजदूत को मंत्रालय में तलब किया गया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड हैं। अदिति, ये एक बड़ा कदम होगा, और वैसे भी हमने देखा है कि भारत जो है वो, भारत के ऊपर अगर नजर उठे किसी की और अगर इस तरीके के बयान होते हैं तो फिर बड़े और कड़े फैसले लेने से भारत अब चूकता नहीं है। देखिए, इसको अगर अपन बिंदुवार समझे तो कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया, भारत विदेश मंत्रालय ने कनाडा को, कनाडा की तरफ से बेबुनियाद आरोप के बाद तलब किया गया है। और आपको बता दें कि दरअसल हुआ क्या था, उसके बाद ये फैसला आ सकता है कि जो इंडियन एम्बेसडर है कनाडा के अंदर या डिप्लोमेट्स हैं उनको बुला लिया जा सकता है वापस, भारत ये फैसला ले सकता है। क्योंकि सवाल वही है कि कनाडा के भारतीय उच्चायुक्त जो वहां पर हैं, यानी एम्बेसडर जो हैं, उन पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। विदेश मंत्रालय का दावा है कि रविवार को एक डिप्लोमैट, राजनयिक डिप्लोमेटिक एक संदेश मिला, और जिसमें ये कहा गया कि जो भारत के उच्चायुक्त हैं और जो कुछ डिप्लोमेट्स हैं वो किसी एक जांच, कनाडा में चल रही किसी एक जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताए जा रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर वहां पर भारतीय डिप्लोमेट और भारतीय जो उच्चायुक्त हैं उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं जो बेबुनियाद हैं। और ऐसी स्थिति में ही, इसी के चलते ही कनाडा के उच्चायुक्त को भी विदेश मंत्रालय ने तलब किया है, और इसी के चलते ही यह भी माना जा रहा है कि वहां से हमारे एम्बेसडर को हम वापस बुला सकते हैं, डिप्लोमेट को हम वापस बुला सकते हैं, भारत ये बड़ा कदम ले सकता है। और शिखा, सबसे बड़ी बात है कि भले ही आपको डिप्लोमेसी लेवल पर तमाम चीजें दिखे, पर इसके असल वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो को अब अपना जो विरासत है वो खोती हुई नजर आ रही है, और ये तमाम चीजें राजनीतिक फायदे के लिए हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि वो अपना विश्वास खो बैठे हैं अपने ही सांसदों के बीच में से। यहाँ की कुछ दिन पहले टोरंटो की बात कर ले या फिर जो अलग अलग जो वहां पर जो चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें हार के बाद
ये वहां के कई सांसद थे, 20 से 30 सांसदों ने गुप्त बैठक बुलाई, वहां पर नेतृत्व परिवर्तन पर एक दस्तावेज पर सिग्नेचर भी करे। उसके बाद से जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जस्टिन ट्रूडो डरे हुए हैं, और ऐसे में वो सबका ध्यान भटकाने के लिए, इस अशांति को शांत करने के लिए और कैनेडियन जो जनता है उनको कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए अब वो भारत विरोधी बयान, भारत विरोधी गतिविधियों में लग गए हैं, जिससे कि ये मैसेज जाए कि वो जो एक बहुत बड़ा जब चुनाव क्योंकि सिर पे खड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें कर रहे हैं जिससे वो ये ताकत दिखा सके कि देखो मैं हूँ जो भारत पर सवाल खड़े कर सकता हूँ। तो केवल अपनी विरासत को बचाना, अभी जो चुनाव के नतीजों के बाद सारी चीजों को अंडर द कार्पेट करने की वजह से भारत पे अनर्गल बयान है, लेकिन भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नया भारत है, यहाँ पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास या तो कोई तथ्य होना चाहिए, लंबे समय से तथ्य दिया नहीं है, और ऐसे में इस तरह के अनर्गल बयान हम अपने उच्चायुक्त या डिप्लोमेट्स के लिए नहीं सुनेंगे। और भारत ये बड़ा कदम ले सकता है कि वो अपने उच्चायुक्त को वापस बुला ले, और इस बीच में कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है इन बेबुनियाद बयानों के चलते। और ये बेबुनियाद बयान जो दिए गए हैं कनाडा की तरफ से, ये कोई पहली बार नहीं आते थे। इससे पहले भी हमने देखा कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कुछ बयान संसद के अंदर दिए गए जिसके विरोध में भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, और फिर जब G20 के समय में जस्टिन ट्रूडो पहुंचे तो हमारा जो मूल मंत्र है, हम जो कहते हैं अतिथि देवो भव, वो हमने निभाते हुए उनका स्वागत किया, लेकिन एक बार फिर से उनका रुख बदला है। तो आखिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि थोड़े थोड़े अंतराल पर ट्रूडो की तरफ से इस तरीके के बयान आते हैं, कनाडा सरकार की तरफ से इस तरह के बयान? वजह बिल्कुल वही है, मैं आपको वजह और बेहतर तरीके से बता देती हूँ। देखिए पहले भी जब इस तरह के संसद में बात हुई थी कनाडा के, तब भारत ने डिप्लोमेटिक सभी प्रकार के रिश्ते बंद कर दिए थे जो शायद कभी एक समय पाकिस्तान के साथ भी हुए होंगे या नहीं, लेकिन कनाडा के साथ पहली बार हम किसी देश के साथ इस स्तर पर आए थे कि कनाडा ने अपने सारे डिप्लोमेट बुला लिए, तमाम तरीके के हमने यहाँ पर उनको भेज दिया था। अब सवाल यह है कि कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है, जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन वहां पर अगर वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं, वहां पर एक बड़ा तबका ऐसा है जो भारत विरोधी ताकतों, भारत विरोधी स्लोगन लेकर आता है। अगर हमें बहुत खालिस्तानी, वहां पर बड़ा वोट बैंक है जो भारत के विरोध में तमाम तरीके की बात करता है, जिसको लेकर जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि अगर उस तबके का वोट बैंक मुझे मिलेगा तो मैं सत्ता में वापसी कर सकता हूं, वरना मेरे सत्ता में वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो केवल और केवल भारत विरोध अलाप जो राग रहे हैं वो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि मैं दो टू भारत से बात कर सकता हूँ। लेकिन शायद जस्टिन ट्रूडो वोट की राजनीति के लिए कर जरूर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश पनपता या बढ़ता या विकसित तब होता है जब भारत जैसे देश से उनकी मैत्री हो, भारत जैसे देश के साथ उनके डिप्लोमेटिक बायलैटरल अच्छे संबंध हो, और कनाडा वो संबंध की जो जगह था वो खो चुका है। और जस्टिन ट्रूडो भले ही इस तरह की चीजों से सत्ता में वापसी कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा को कहीं ना कहीं उस स्तर से हटा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री हर जगह इंटरनल और एक्सटर्नल टेररिज्म पर सवाल उठाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल टेररिज्म की सवाल, ये किसी देश की भी धरती किसी और देश में टेररिज्म फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ये भारत का मंत्र है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में लाओस की धरती पर भी ये कहा है कि टेररिज्म एक ग्लोबल इशू है, और अगर किसी की भी धरती, जैसे पाकिस्तान को सबने लेफ्ट आउट कर दिया, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की धरती किसी और कंट्री में टेररिज्म के लिए यूज होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जो भुगत रहा है, आज उस हाशिए पर है, कनाडा भी वही कर रहा है, वो भले ही वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, लेकिन कनाडा को पता नहीं कि आग से खेलने से अपने खुद के हाथ भी जलते हैं। और अदिति, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर कनाडा के पास निजर वाले मामले में कोई पुख्ता सबूत है या जांच पड़ताल में कुछ अगर बात ऐसी आई है जो कि भारत को लिंक करता है, तो उन्हें ये पेश करना चाहिए, बशर्ते कि वो ये जो तमाम बयान दे रहे हैं उसकी जगह पर वो सबूत पेश कर देते। इसी सबूत की मांग भारत बार बार कर रहा है, भारत ने कई बार डिप्लोमेटिक स्तर पर इस बात को उठाया है कि अगर आप अपने संसद में ये बात करते हैं लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं, आप डिप्लोमेसी में ये बात करते हैं, आप उच्चायुक्त को कर ये सवाल करते हैं, पर आपके पास सबूत कहाँ है? और इसी सबूत के लिए एक बार फिर कनाडा उच्चायुक्त को बुलाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक, और भारत आगे बढ़ के कभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा
और शायद यही हो रहा है कि अब संभवतः हम अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लें। जी दीदी, खबर भी यही मिल रही है, हमारे उच्चायुक्त संजय वर्मा की वापसी होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से अदिति ये इन्फॉर्मेशन अभी अभी साझा की गई है। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में भारत दो टू के कर देगा, और शायद हम किसी एक देश के साथ इस कगार पर पहुंचे हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स में उच्चायुक्त भी लौट करा रहे हैं। पर इसकी केवल और केवल एक वजह है कि अनर्गल बयानबाजी, बिना बेसलेस बयानबाजी के लिए कोई जगह नहीं है इंटरनेशनल स्तर पर। अगर आपके पास कोई इशू है तो आप इसको सबूत के तौर पर दिखाएं, वरना बिना सबूत के कोई बयानबाजी। और जस्टिन ट्रूडो हमेशा से यही करते रहे हैं, सबूत उनके हाथ नहीं लगती, लेकिन भारत को लेकर के जिस तरीके के उनके बोल हैं उसके बाद जाहिर है भारत किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।